प्रकृति के कई रूप हैं, प्रशांत, सुंदर, शालीन और निश्चल, लेकिन पलक झपकते सब कुछ बदल सकता है। और तब प्रकृति अस्थिर, अनिश्चित हो जाती है, एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती। प्राकृतिक आपदाएं इसी परिवर्तनशील नियम का अंग है। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ इत्यादि, पर इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जियोलॉजिक यानी भूवैज्ञानिक और क्लाइमेटिक यानी जलवायु संबंधी आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। जोखिम कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भौगोलिक स्थिति, जलवायु, स्थलाकृति और आबादी का घनत्व। कुछ इलाकों में जोखिम अधिक मौजूद होता है। भूकंप विश्व के कई स्थानों में घटते हैं, लेकिन दुनिया के 90% भूकंप प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द होते हैं। महासागरीय खंडकों, द्वीपीय आर्कों और ज्वालामुखी पर्वतीय श्रृंखलाओं के अटूट सिलसिले के कारण इस भाग में बार बार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। सन 2001 में रिक्टर स्केल पर 7.9 पैमाने के भूकंप ने गुजरात को हिला कर रख दिया था। भूकंपीय गतिविधि कई शक्लों में नजर आती है। दिसंबर 2004 में 9.3 पैमाने के भूकंप ने सुमात्रा के महासागरीय तल को उधेड़ डाला था। 100 वर्षों से रुका हुआ दबाव फूट पड़ा। सन 1900 से अब तक की अवधि का ये चौथा सबसे बड़ा भूकंप था। इससे पैदा हुई सुनामी ने हिंद महासागर के बहुत बड़े इलाके को प्रभावित किया। इंडोनेशिया, श्रीलंका से लेकर सोमालिया तक इसने तबाही फैला दी। लेकिन ऐसी घटनाओं का कारण क्या है? पृथ्वी में बहुत सारी परतें हैं, क्रस्ट यानी भूपरपटी, मेंटल यानी प्रावार, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। भूपरपटी सबसे बाहरी परत है, जिसका निर्माण कई टेक्टोनिक प्लेटों से हुआ है। प्रावार की मोल्टन स्थिति के कारण ये प्लेटें लगातार हरकत में रहती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से रगड़ती या टकराती हैं, तो दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के रिहा होने पर भूकंप पैदा हो जाता है। पृथ्वी में लगातार होने वाली इस गतिविधि की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटन जैसी घटनाएं घटती हैं। सागर के अंदर होने वाले बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बड़े लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से सुनामी पैदा होती है। महासागर के अंदर जब दो प्लेटें संपर्क में आती हैं, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे अचानक खिसक सकती है। तब भारी मात्रा में पानी ऊपर की ओर उठ पड़ता है। यह भीषण सुनामी को जन्म देता है। जब सुनामी जमीन पर पहुंचती है, तो सागर तल और तट का आकार सुनामी के प्रभाव को तय करते हैं। उथले पानी में जब लहर की रफ्तार घटती है, तो उसकी ऊंचाई खासी बढ़ जाती है। तब दबी हुई ऊर्जा जल राशि को ऊपर की ओर ढेल देती है। सुनामी लहर की लंबाई 100 किलोमीटर तक जा सकती है। जमीन के नजदीक पहुंचने पर इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। भारतीय तट पर तमिलनाडु का नागपट्टनम सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। समुद्र का पानी जमीन पर 5 किलोमीटर तक दौड़ता चला गया।
और आसपास के गांवों को सपाट कर डाला। जानो माल की बेहिसाब तबाही के अलावा पर्यावरण पर भी विनाशकारी असर पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि खारा पानी ताजे पानी के साधनों में समा गया, उपजाऊ जमीन पर नमक फैल गया और वो कृषि योग्य नहीं रही। मानव गतिविधियों के बढ़ने से गरान और मूंगे विश्व के कई हिस्सों में पहले से ही जोखिम में पड़ चुके हैं, जिसके कारण तटों की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो रही है। इससे ज्वार और सुनामी लहरों से होने वाला खतरा और बढ़ जाता है। आजकल इंसान अपने वातावरण में तेजी से बदलाव ला रहा है। लगातार बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण ने पर्यावरण पर जबरदस्त असर डाला है। इसके अलावा वन कटाई के कारण भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वनस्पति विहीन इलाकों में सॉइल इरोशन यानी मिट्टी का अपरदन कहीं अधिक होता है। पहाड़ी ढलानों के कमजोर क्षेत्र में वर्षा का पानी बेरोकटोक बहता है। इससे नीचे की स्थिर आधारशिला पर जमी तलछट ढीली होकर ढलान पर तेजी से नीचे जाने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक मुख्य प्राकृतिक आपदा है जो जीवन और संपत्ति को बहुत हानि पहुंचा सकती है। कई जलवायु संबंधी बदलाव पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर कहीं सामान्य से अधिक बारिश होती है तो दूसरी जगह बहुत कम। बाढ़ और सूखा इन्हीं अनिश्चितताओं के नतीजे हैं। मिसाल के लिए औसतन हर साल बांग्लादेश का 20.5% भाग बाढ़ में डूब जाता है। दूसरी तरफ भारत, अफ्रीका का उपसहाराई इलाका और चीन में सूखा पड़ जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा असमान होती है। हर साल भारत की 80 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है। जून 2008 में उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में भारी वर्षा हुई। इस कारण सुवर्णरेखा नदी में आई बाढ़ से बालासोर और मयूरभंज के जिले डूब गए। नदी से कुछ फुट की दूरी पर बसे इन जिलों में भारी नुकसान हुआ। मकान ढह गए, फसलें तबाह हो गईं और बाढ़ मवेशियों को बहा ले गई। नदी में पानी की मात्रा बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा होता है। सामान्य जलमार्ग उफन पड़ता है और पानी आसपास की जमीन पर फैल जाता है। वक्त बीतने के साथ ये जलमार्ग फैलने लगते हैं और पानी के बहाव का रुख तक बदल सकते हैं। लेकिन बाढ़ फायदेमंद भी हो सकती है। मौसमी बाढ़ें उपजाऊ मिट्टी बिछाकर जमीन को नई जिंदगी देती हैं और किसानों के लिए वरदान बन जाती है। सबसे खतरनाक वो बाढ़ होती है जो अचानक आती है, यानी फ्लैश फ्लड। अचानक भारी जलराशि के इकट्ठा होने से ऐसी बाढ़ आती है। जब भीषण तूफान के कारण पहाड़ पर भारी वर्षा होती है तो पानी तेजी से बहते हुए घाटी में सब कुछ रौंदता चला जाता है। अगर किसी जगह पानी का आधिक्य है तो दूसरी जगह उसका अभाव। सन 2002 में पर्याप्त मॉनसून न होने पर भारत का तकरीबन 30% हिस्सा सूखाग्रस्त हो गया। सूखे की तबाहकुन ताकत का असर लंबे समय में नजर आता है। ये अपनी गिरफ्त में बहुत बड़े इलाके को ले सकता है। जमीन की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो कृषि योग्य नहीं रहती।
इससे गंभीर अकाल पैदा होने की संभावना है। कृषि पर निर्भर विकासशील देशों के लिए ये और भी नुकसानदायक हो सकता है। भारत की आबादी का लगभग 70% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। मॉनसून का न होना इस आबादी के लिए विनाशकारी हो सकता है। कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों का बढ़ता उत्पादन और घास वनस्पति की अत्यधिक चराई ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अपेक्षाकृत कम वक्त में मौसम संबंधी चरम दशाएं पैदा कर देती हैं। आंधी तूफान और साइक्लोन यानी चक्रवात ऐसी ही चरम दशाएं हैं। भूमि और समुद्र के गर्म होने की दर भिन्न होती है। भूमि की तुलना में समुद्र अधिक ऊष्मा जज्ब कर लंबे समय में रिहा करता है। इस फर्क के कारण समुद्री सतह के ऊपर बनने वाली गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। भूमि से आने वाली ठंडी हवा समुद्र की ओर बहने लगती है। फलस्वरूप ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में तूफानों के पनपने की संभावना अधिक होती है। चूंकि भारत की एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, ये चक्रवातों का शिकार होता रहता है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1877 और 1990 के दौरान देश के पूर्वी तट को 964 चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा। उष्णकटिबंधीय तूफान पनपने के लिए गर्मी और नमी पर निर्भर करते हैं। इनकी मदद से ये महासागरों के ऊपर निर्मित हो जाते हैं। महासागर से गर्म आर्द्र हवा ऊपर उठते हुए ठंडी होकर तूफानी बादलों में तब्दील हो जाती है। कंडेंसेशन की यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा रिहा करती है। इससे ऊपरी हवा गर्म होकर और ऊपर उठ जाती है। ये चक्र चलता रहता है। विकसित होते तूफान में अधिकाधिक गर्म हवा खिंचने लगती है। इससे तेज हवाएं पैदा होकर एक केंद्र के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण भी चक्रवात की दिशा को प्रभावित करता है। सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में परिक्रमण घड़ी की सुई की दिशा में होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में। एक उष्ण कटिबंधीय तूफान जब 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार पकड़ लेता है तो चक्रवात बन जाता है। चक्रवात की तीव्रता हवा की रफ्तार पर निर्भर करती है। इस आधार पर सफायर सिम्पसन स्केल चक्रवाती तूफानों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहला सबसे कम और पांचवा सबसे अधिक विनाशकारी होता है। घरों और संचार व्यवस्था को अस्त व्यस्त करती ये हवाएं प्रलय का दृश्य उपस्थित करती हैं। अभी हाल में आए चक्रवात जैसे अमेरिका में कैटरीना और मिच, बांग्लादेश में सिद्र और उड़ीसा के सुपर साइक्लोन ने बेहिसाब तबाही मचाई। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को एक सुरक्षित और मजबूत शरणगाह की जरूरत पड़ती है। इसलिए दुर्घटना अवरोधक आवासों पर शोध और विकास अहम जरूरतें हैं। क्योंकि आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, इनसे सुरक्षित रहने के लिए अलग अलग शरणगाहों का निर्माण जरूरी है। भूकंप से होने वाली मौतों में लगभग 60% मौतें इमारती ढांचों के ढहने से होती हैं। इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान उन झटकों से होता है जो इमारत को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। इससे डायगनल यानी विकर्ण दरारें पैदा हो जाती हैं। गुजरात के उत्तरी कच्छ में मिट्टी से बना वृत्ताकार ढांचा भूंगा 2001 के भूकंप में कायम रहा। इसकी गोलाकार आकृति इसकी स्थिरता का एक कारण है। भूंगा के ढांचे में लिंटल बैंड जोड़ देने से
इसकी मजबूती और बढ़ गई है। यह बैंड दीवारों को एक साथ बांध कर रखता है, जिससे इमारत भूकंप के झटकों का बेहतर प्रतिरोध कर सकती है। इसके द्वारा विकर्ण दरारों का बढ़ना और फैलना भी रोका जा सकता है। चक्रवाती तूफानों से बचने के लिए खास किस्म की शरणगाहों का निर्माण किया जाता है। तेज हवाओं का सामना करने के लिए इन्हें कंक्रीट से बनाते हैं। इन्हें जमीन से ऊंचे स्तर पर निर्मित किया जाता है, ताकि ये पानी में न डूबे। उड़ीसा के जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जैसे तूफानग्रस्त जिलों में ऐसी बहुत शरणगाहें हैं। इन कोशिशों के अलावा प्राकृतिक खतरों को बेहतर समझने में आधुनिक टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए चक्रवाती तूफानों पर नजर रखने में रेडार सिस्टम सहायक है। ये अपने लक्ष्य जैसे मेघ समूह की दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजता है। लक्ष्य से लौटे हुए संकेत का विश्लेषण करने पर यह सिस्टम चक्रवात की दिशा, हवा की रफ्तार और संभावित रास्ते की सटीक जानकारी देता है। ऐसी ही एक रेडार प्रणाली ने चक्रवात सिद्र का पूर्वानुमान कर भूमि से टकराने के 6 घंटे पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। ये रेडार 500 किलोमीटर तक की दूरी में होने वाले चक्रवातों और तूफानों पर निगरानी रखता है। भारतीय मौसम विभाग देश के मौसम पर नजर रखते हुए पूर्व सूचनाएं प्रसारित करता है। वो मौसम के विभिन्न पैमानों जैसे तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, वर्षा और मेघों का विश्लेषण करता है। प्रतिदिन दर्ज हुए आंकड़ों के आधार पर मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिनकी चेतावनी देने के लिए परिष्कृत प्रणालियों की जरूरत होती है। डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम अर्थात डार्ट समुद्र की गहराई में होने वाली तब्दीलियों को बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर यानी BPR द्वारा दर्ज करता है। समुद्र तल पर रखे हुए प्रेशर रिकॉर्डर पर पानी का दबाव बना रहता है। जब सुनामी की लहरें रिकॉर्डर के ऊपर से गुजरती हैं, तो जल स्तर में आए बदलाव से पानी के दबाव में भी परिवर्तन आता है। इस पर कोई प्रेशर रिकॉर्डर पकड़ लेता है। ये इससे प्राप्त संकेत को समुद्री सतह पर मौजूद बोया तक पहुंचा देता है। ये BPR सिस्टम इस कदर संवेदनशील है कि जल स्तर में आए 1 सेंटीमीटर के छोटे से फर्क को भी बखूबी पहचान लेता है। हाल में आए सुनामी के मद्देनजर भारत ने अपनी खुद की सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर ली है। प्रशांत महासागर में पहले से ही यह प्रणाली मौजूद है, जो सैटेलाइट यानी उपग्रह के जरिए अमेरिका स्थित निगरानी केंद्रों से जुड़ी है। लेकिन पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना तो चुनौती का मात्र एक भाग है। इनसे प्राप्त जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए दक्ष संचार तंत्र का होना अत्यावश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामान्य संचार प्रणालियां जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ और सड़कें तहस नहस हो जाती हैं। इस सूरत में प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के कार्यों को जारी रखना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे गंभीर हालात में हैम रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसकी खासियत यह है कि कई हैम रेडियो ऑपरेटर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसके जरिए ये एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी बहुमूल्य समय और जीवन बचाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के विस्तार का सही अनुमान लगाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों का उपयोग किया जाता है। इससे बचाव और पुनर्वास कार्य को सुनियोजित रूप देने में सहायता मिलती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुर्गम क्षेत्रों के आंकड़े भी हासिल किए जाते हैं।
टोपोग्राफिक मैप किसी इलाके की भौगोलिक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, जिसकी मदद से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम किया जा सकता है। लेकिन क्या इन तबाहकुन कुदरती हादसों को रोकने का कोई तरीका है? क्या हम इनसे अपना बचाव पूरी तरह कर सकते हैं? जवाब है जी नहीं। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि हम ऐसे तरीके और साधन ढूंढें जो इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ गुजारा करने में हमारी मदद करें। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन गरान डेल्टा समुद्री स्तर की तुलना में निचले स्तर पर है। इस कारण ये ज्वारीय लहरों और उफनते समुद्री पानी का शिकार होता रहता है। नतीजन कोस्टल इरोजन यानी तटीय क्षरण ने भूमि के बड़े हिस्से को निगल लिया है। इससे बचने के लिए लोग स्थानीय चिकनी मिट्टी से बंद या पुश्तें बनाते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण की पारंपरिक संरचनाएं पानी की कमी को दूर करने में काफी फायदेमंद साबित हुई हैं। उदाहरण के लिए बेरी और टांका जैसी संरचनाओं में वर्षा जल संचित होता है, जो अन्यथा बहकर बर्बाद हो जाता है। जलाभाव की समस्या से निपटने में ये काफी सफल रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमें हमेशा चुनौती देती रहेंगी। हम प्रकृति और उसकी प्रक्रियाओं को न रोक सकते हैं और न ही सीमित कर सकते हैं, फिर भी इंसान ने इन अनिश्चितताओं से निपटना सीख लिया है। आखिर इंसान प्रकृति का ही एक अटूट हिस्सा है। प्रकृति का सौंदर्य और उसकी शक्ति दोनों ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हमें इसके सभी रूपों को विनम्रता से स्वीकारना चाहिए।